हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड में। दोस्तों, हमारे MI स्मार्ट टीम में जो ब्लूटूथ का ऑप्शन रहता है, उससे हम अपने अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करें, जैसे कि ईयरफोन्स, स्पीकर्स में भी ब्लूटूथ रहता है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करें, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी MI से रिलेटेड कोई वीडियो इस चैनल पर आए आप तक सही समय पर जो पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैकेनिकल मास्टरमाइंड को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास अभी MI 4X 15 इंच टीवी है, ये MI का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने MI का मेन इंटरफेस है जो ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ओपन किया हुआ है। और उसके बाद आप टॉप में आप देखेंगे, आपको वाईफाई का लोगो दिखेगा, उसके साथ ही सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर हम जाएंगे। और उसके बाद सबसे नीचे आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे हम जाएंगे, सबसे नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिमोट एंड एसेसरीज। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद आगे आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐड एसेसरी का ऑप्शन आ रहा है ब्लूटूथ, अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं। और अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम जाएंगे ऐड एसेसरी। तो चलिए, यहाँ पर मैं आप सभी को एक स्पीकर है जो मेरे पास है, जो उसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और आप सेम, अगर आप कुछ भी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सेम इसी प्रोसेस से उनको भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपना स्पीकर कैसे कनेक्ट करता हूँ MI TV के साथ। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जिस भी आपने डिवाइस को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के माध्यम से, आपने उस डिवाइस की ब्लूटूथ है जो ऑन कर लेनी है, और उसके बाद ही सर्चिंग आप कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास ये स्पीकर है और मैंने इसकी ब्लूटूथ पहले ऑन कर दी थी, और उसके बाद आगे है जो स्कैन करने के बाद इसका नेम है जो वहाँ पर टीवी में आ चुका है, और उसके बाद हम ओके कर देंगे, पेयरिंग होने लग जाएगा, और उसके बाद कनेक्टिंग आएगा। और उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो आगे हमारा K25, जो मैंने अभी ये स्पीकर आप देख सकते हो, इसका ब्लूटूथ है जो वहाँ पर है, जो सर्चिंग के बाद कनेक्टेड यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो K25। इसके बाद आप जो भी अपने टीवी में कोई मूवी सॉन्ग्स वगैरह आप जो भी लगाओगे, आप अपने स्पीकर या फिर अपने ईयरफोन्स पे डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान था ये प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह MI TV से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।